Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अमरीकी ऐलान पर पाकिस्तान का जोरदार जवाब, अमरीकी सदर के इल्जामात रद्दी की टोकरी में। हमें कुर्बानी का बकरा बनाकर अफगानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा, अमन के लिए काम कर रहे हैं, मुज़ाकरात ही अमन का बेहतरीन जरिया है, कौमी सलामती कमेटी का ऐलामिया। अमरीका के जाने के बाद अफगानिस्तान का बोझ पाकिस्तान ने उठाया। इंतजार की वजह से मुनशियात और असलहा पाकिस्तान आया, 4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, हजारों जाने दी, लाखों मुहाजरीन की मेजबानी की। अमरीका मुहाजरीन को वापस ले जाए और पैसा बचाए, पाकिस्तान का मौके। रूस, चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओआईसी ने अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में डाल दिया। चीन का 2 रोज में दूसरी मर्तबा अमेरिका को बाज रहने का मशवरा। रूस ने कहा पाकिस्तान खत्ते का अहम तरीन मुल्क है, दबाव बढ़ाने से अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। डूमोर नहीं सी पैक की तकलीफ, अमेरिका का जर्ब अज़्म और सी पैक को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा। फाटा और बलूचिस्तान में फिजाई हमलों का प्लान, नवाज शरीफ, चौधरी निसार आर्मी चीफ और DGISI नई अमेरिकी पॉलिसी से आगाह थे। अफगानिस्तान अमरीकी फौज के लिए कब्रिस्तान बन गया। अफगान जंग अब तक हजारों अमरीकी फौजियों को खा गई। लाहौर से लड़ाई में फतह के दूर दूर तक कोई आसार नहीं। अमरीकी कमांडर जनरल निकलसन भारत पहुंच गए, अफगान जंग जारी रखने का ऐलान। ट्रंप के पागलपन पर अमरीकी मीडिया भी बरहम। भारत को नवाजने से पाकिस्तान और चीन की गुर्बतें बढ़ेंगी, भारत का किरदार बढ़ा तो पाकिस्तान तावुन कम कर देगा, दबाव डालने पर इस्लामाबाद नए रास्ते तलाश करेगा, अमरीकी मीडिया और माहिरीन समझाने लगे। ट्रंप की धमकियों के जवाब के लिए पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। खुर्शीद क्या कहते हैं, सियासी जमातों को एतमाद में लेकर लाहमल बनाया जाए। अमरीकी सदर के खिलाफ PTI की सिंध असेंबली में मुजम्मती करारदाद जमा। क्रिकेट की दुनिया के 14 सितारे पाकिस्तान में उतरेंगे। ड्यूप्लेसिस, डेविड मिलर, मॉर्कल, डेरन सैमी, हाशिम आमला, तमीम इकबाल, ग्रांट एलियट, इमरान ताहिर और दीगर शामिल। क्या इमरान खान इन खिलाड़ियों को भी फटीचर कह सकेंगे? जी नहीं, कभी नहीं। पाकिस्तान आज जीत गया, पाक फौज का आलमी क्रिकेटर्स को खुशामदीद। पाम आलमी खिलाड़ियों के शानदार इस्तकबाल और मेजबानी के लिए बेताब। PCB का वर्ल्ड 11 से नए खून को लड़ाने का फैसला, कौन कौन मैदान में उतरेगा? कौमी सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने पर इत्तफाक। T20 टीम से कामरान अकमल की छुट्टी, वकार यूनस कहते हैं उमर अकमल अपने दुश्मन खुद हैं। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सेफ सिटी का दौरा, मिकी आर्थर और दीगर ऑफिशियल्स भी हमराह थे, सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया, हुकाम ने ब्रीफिंग दी।
अदलिया मुखालिफ तकारीर नशर करने पर पाबंदी। लाहौर हाईकोर्ट का कानून पर अमल दरामद का हुक्म। पैमरा से 12 सितंबर को जवाब तलब। नवाज शरीफ के असासे मुंजमद करने की दरख्वास्त दायर। साद रफी कहते हैं हमारे लीडर्स अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। क्या शरीफ खानदान भूल गया वो मुलजिम है? तहकीकात का तरीका कार मुलजिम ने नहीं तय करना, फैसले पर नजर सानी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, नून लीग का नहीं, इमरान खान की ट्वीट। चौधरी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड भी नैब के हवाले। डायरेक्टर SECP माहीन फातिमा बयान देने के लिए नैब में तलब। पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 62 और 63 में तरमीम के लिए आमादा। नवाज शरीफ के लिए नहीं, निजाम के लिए। तरमीम मौजूदा नहीं, अगली असेंबली करेगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का फैसला। कुलसूम नवाज के कागजात मुस्तरद कराने की एक और कोशिश नाकाम। इलेक्शन कमीशन का NA 120 के जिम्नी इलेक्शन के लिए फौज तैनात करने का फैसला। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौजी जवान तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन का वजारत दिफा को खत। नवाज शरीफ की जेर सदारत रायबंड में इजलास। शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, साद रफीक, परवेज मलिक और दीगर शरीक। नेवल चीफ का नवाज शरीफ को फोन। कुलसूम नवाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चौधरी शुजात और परवेज इलाही ने गुलदस्ता भिजवाया। गवर्नर सिंध के फेरे रायबंड के। कराची डूब रहा है और मोहम्मद जुबैर की जाति उमरा में आनिया जानिया। गवर्नर साहब सिंध का सोचे, पंजाब का नहीं। गवर्नर सिंध ने सूबाई एहतसाब एजेंसी का तर्मीनी बिल एतराज लगाकर वापस कर दिया। बिल असेंबली को मौसूल। दोबारा वापस कराने के लिए ईद के बाद इजलास तलब किया जाएगा। इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के अहलकारों ने मोहम्मद यूसुफ को तशद्दुद से हलाक किया और बाद अज़ां इसकी लाश उरंगी टाउन के इलाके हवा गोट में फेंक दी। आज इस प्रेस ब्रीफिंग में इसी यूसुफ उर्फ ठेले वाले को जिंदा सलामत पेश किया जा रहा है। MQM लंदन का कारकुन यूसुफ ठेले वाला रेंजर्स के हाथों मारा गया। लंदन वालों ने पुल भी करा दिए। रेंजर्स ने जिंदा यूसुफ मीडिया के सामने खड़ा कर दिया। मुल्जिम ने रूपोश होने की हिदायत का भांडा भी बीच चौराहे फोड़ दिया। कराची के अम को अब कैमरे की आंख देखेगी। कराची को महफूज बनाने के लिए 10,000 कैमरे लगाने का फैसला। मुराद अली शाह ने मुश्ताक महर को कराची पुलिस का चीफ मुकर्रर कर दिया। गुलाम कादिर थे वो एडिशनल IG ट्रैफिक तैनात। नोटिफिकेशन जारी। अमन कैसे लाना है, दहशत गर्दों को कैसे ठिकाने लगाना है? कराची में 942 अहलकार पास आउट। सुहेल अनवर सयाल कहते हैं अमन के लिए इदारों का किरदार अहम है। SSP इस्मतुल्लाह तशद्दुद केस। इमरान खान और ताहिरुल कादरी की जायदाद की तफसील फिर तलब। इस्मतुल्लाह जुनेजो और गवाहों को 31 अगस्त को बयान कलमबंद कराने का हुक्म। कराची की सर सैयद यूनिवर्सिटी में MQM और PSP आमने सामने। कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। रेंजर्स ने आकर मामला संभाला। लुधरा में 4 बच्चों की हलाकत का ड्रॉप सीन। मां ने 5वें बच्चे को भी कत्ल कर दिया। पकड़े जाने पर एतराफ भी कर लिया। कहती है मर्जी के रिश्ते करना चाहती थी, इनकार पर सबको मार दिया। शिकारपुर पुलिस गढ़ी टेगों में डाकुओं के घरों तक पहुंच गई। ऑपरेशन के दौरान 40 से जायद घर जला दिए गए। 20 से जायद सहूलतकार भी गिरफ्तार।
पुलिस वाले को क्यों मारा? डाकू ने डाकुओं को मार दिया। सियालकोट में चार डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक। दो रोज पहले अनवार और टेडा की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद हुआ था। गुजरांवाला में फैक्ट्री जल गई। फायर ब्रिगेड 9 घंटे तक शोलों पर काबू न पा सका। आग सब कुछ राख करके खुद ही बुझ गई। वजीर आला ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में आग। सिराजुल हक ताजरों का दुख बांटने पहुंच गए। हुकूमत नुकसान का इजाला करे। कौमी असेंबली में भी मामला उठाने का ऐलान। पिशावर में डेंगू के वार। हर गुजरते दिन के साथ मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। 664 अफराद हॉस्पिटल्स में दाखिल। केपी हुकूमत ने 2 करोड़ के फंड जारी कर दिए। पंजाब की टीम्स भी बदस्तूर मुतहर्रिक। FIA कुड़ियों का नाकों चने चबाने का फैसला। इम्तियाजी सुलूक पर खवातीन इंस्पेक्टर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। जूनियर मर्दों को क्यों इंस्पेक्टर बनाया? दरखास्त में मौकफ। पाकिस्तान में पीने के पानी की खतरनाक कहानी। संख्या की मकदार बढ़ गई। 6 करोड़ जिंदगियों पर मौत की तलवार लटक गई। आलमी इदारे की तंबीह। ठेका पठाने मेरा नाम शेर कोई ठेक शाने बार दिल मिला ले ये कहते शेर खाने। मंडियों में व्यापारी जानवरों के गुनगाने लगे। कराची में जिंदा मछलियां खाने वाले तुम्बे का चर्चा। इस्लामाबाद में दूध बादाम खाने वाले राजा को नए मालिक की तलाश। कालादम तंजीमों के खिलाफ शिकंजा सख्त। कुर्बानी की खालें जमा नहीं कर सकेंगी। खिलाफ वर्जी पर एक्शन का फैसला। खुफिया टीमें निगरानी भी करेंगी। आगाही मुहिम भी चलेगी। आजमी ने हज के लिए सिक्योरिटी इंतजाम। सऊदी फौज की मशतें। 10,000 अहलकार हेलीकॉप्टर बख्तरबंद गाड़ियां शरीक। शहजादा मोहम्मद अल्लाह के मेहमानों की हिफाजत के लिए तैयार। जायरीन की आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दरियाओं झरनों और आबशारों से घिरी गिलगित की वादी तारील। कुदरत का हसीन तोहफा। वादी में जश्न आजादी का रंगारंग मेला। पोलो क्रिकेट और फुटबॉल के मुकाबले। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने हुकूमती बेहसी पर लफ्जी मुक्के बरसा दिए। कहते हैं इनाम दे नहीं सकते तो ऐलान क्यों करते हो। वजीर आला बलूचिस्तान का इनाम नहीं मिल सका। करेंगे उस पागलपन की जिसने पाकिस्तान को अफगानिस्तान समझने की गलती की है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका का दौरा मुलतवी करके चीन जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाकर अफगानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं लाया जा सकता।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। चार घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खारजा ख्वाजा आसिफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया सेनेट के इजलास में पढ़कर सुनाया। सलामती कमेटी ने पाकिस्तानी इदारों पर लगाए गए इल्जाम को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाकर अफगानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं लाया जा सकता। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम पाकिस्तान के मुफाद में है। The committee outrightly rejected the specific allegations and insinuations made against Pakistan. कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में कहा गया है कि अफगानिस्तान में इंतशार पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को 120 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। एलामिया में कहा गया है कि अफगानिस्तान में अमन मुजाकरात के जरिए ही आ सकता है। फौजी मुहिम ने अफगानिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी बयान से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ अब 28 अगस्त को अमरीका जाने के बजाय चीन के दौरे पर रवाना होंगे। कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया है कि नई अमरीकी पॉलिसी पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका को पैगाम दिया है कि अफगान जंग पर खरबों खर्च कर रहा है, उसकी बजाय चंद अरब डॉलर खर्च करे और पाकिस्तान में मौजूद अफगान महाजरीन को वापस ले जाए और अफगानिस्तान में जाकर बसाए। आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने यह बयान दिया है कि अमरीका अफगान जंग पर खरबों डॉलर खर्च कर रहा है, इसकी बजाय कुछ अरब डॉलर ही खर्च करे, मुहाजरीन जो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं उनको वापस ले जाए, अफगानिस्तान ले जाकर बसाया जाए तो शायद ये सब मसला ही हल हो जाएगा। अमरीका नाम तो दहशतगर्दी का ले रहा है, ताहम उसका हदफ सीपेक मंसूबे को सैबोताज करना है ताकि चीन को सुपर पावर और पाकिस्तान को इक्तसादी खुद कफालत से रोका जा सके। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। नजर कहीं जरूरियात पूरी होने के बाद हकीकी मानू में सुपर पावर हो जाएगा और पाकिस्तान इक्तसादी लिहाज से मजबूत। गवादर पोर्ट फंक्शनल होने के बाद चीन के 50% तेल की फराहमी का दुबई शंघाई रूट 10,000 किलोमीटर से कम होकर 3,600 किलोमीटर रह जाएगा। खाम तेल को गवादर की रिफाइनरियों में साफ करके चीन को एक्सपोर्ट किया जाएगा। दोनों मुल्कों में तेलो गैस की पाइपलाइनें, पावर प्रोजेक्ट और फाइबर लिंक भी मंसूबे का हिस्सा हैं। ये सब मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अमेरिका उन्हीं इलाकों को दहशतगर्दों की पनाहगाहें करार दे रहा है जो सी पैक मंसूबे का हिस्सा है। दहशतगर्दी की आड़ में सी पैक के मंसूबे को तबाह करने के दर पे है। इस मंसूबे में भारत और अफगान कठपुतली हुकूमत अमरीकी मोहरे का किरदार अदा कर रहे हैं। चीन ने एक बार फिर अमरीका को वार्निंग जारी कर दी। चीनी आला अहदेदार ने अमरीकी वजीर खारजा को फोन करके वाजे किया है कि अमरीका धमकियां ना दे, पाकिस्तान की सलामती का एहतराम करे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, चीन ने एक बार फिर अमरीका को वार्निंग जारी कर दी है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ धाइयों से ताल्लुकात ला हासिल रहे, उल्टा अमेरिका ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान का दिफा। चीन के आला अहदेदार का अमेरिकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन को फोन करके पाकिस्तान के अफगानिस्तान में अहम किरदार का दिफा किया। रियासती काउंसलर योंग जायची ने कहा कि अमेरिका धमकियों की बजाय पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किरदार को तस्लीम और उसकी सलामती का एहतराम करे। बीजिंग अफगानिस्तान में अमन और मसालहत को फरोग देने के वादे पर कायम है।
اور چین کے بعد روس بھی امریکی صدر کی الزام تراشیوں کے خلاف پاکستان کی حمایت میں آ گیا۔ روسی صدر کی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ضمیر کابلوف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے، پاکستان پر ضرورت سے زیادہ دباؤ ڈالنے سے خطے کی مجموعی سیکیورٹی پر منفی اثرات مرتب ہوں۔ اور امریکی فوج کی قیادت کرنے والے جنرل جان نکلسن بھارتی آشیرواد کے لیے نئی دلی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں ناکام نہیں ہوئے ہیں۔ افغانستان میں امریکی فوج کی قیادت کرنے والے جنرل جان نکلسن حمایت حاصل کرنے کے لیے بھارت جا پہنچے، کہتے ہیں افغانستان میں ناکام نہیں ہوں گے۔ انہوں نے طالبان کو صائب مشورہ بھی دیا کہ وہ امن کی راہ اپنا لیں کیونکہ وہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی افغان پالیسی امریکہ کی طویل المدتی جنگ کی عکاس ہے، افغانستان مشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ جنرل نکلسن نے کہا کہ افغان ایئر فورس اور اسپیشل فورسز کو مضبوط بنائیں گے، افغانستان میں ابھی بھی مزید فوجیوں کی ضرورت ہے۔